Hi, this is Imani Kalra from Next Week in Team. So today my topic will be same as suits by individual person. So I'm starting this from rule 9 of order number 33. So what rule 9 of order number 33 is stating? Withdrawal of permission to sue as an indigent person. कि वो विड्रॉ कैसे किया जाता है. सो द कोर्ट में ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द डिफेंडेंट, डिफेंडेंट की एप्लीकेशन के बाद या उनके गवर्नमेंट एप्लीकेशन के बाद विद इन 7 डेज, और विद 7 डेज क्लियर नोटिस उनको दिया जाता है इन राइटिंग, हैज बीन गिवन टू द प्लेंटिफ, प्लेंटिफ को दिया जाता है ऑर्डर दैट द परमिशन ग्रांटेड टू द प्लेंटिफ टू सू एज एन इंडिजिनस पर्सन बी विड्रॉल, कि हमने उस परमिशन को विड्रॉ कर दिया है किस पर्पज पे, इफ ही इज गिल्टी और वेक्सेशियस और इम्प्रॉपर कंडक्ट इन द कोर्स ऑफ द सूट. अगर उसने कुछ भी ऐसा गिल्टी माइंड से किया होता है, मतलब ही इज गिल्टी, एंड बी पार्ट इज सेइंग इफ इट अपीयर्स दैट हिज मींस आर सच दैट ही ऑट नॉट टू कंटिन्यू टू सू एज एन इंडिजिनस पर्सन, कि वो अब नहीं कंटिन्यू करना चाहता इसको स्यू करने के लिए, नाउ ही हैज सफिशिएंट मींस. एंड द थर्ड इज इफ ही हैज एंटर्ड इनटू एन अग्रीमेंट विद रेफरेंस टू द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सूट अंडर व्हिच एनी अदर पर्सन हैज ऑब्टेन इंटरेस्ट, सेम एज जो हमने अपने प्रीवियस रूल नंबर 5 में पढ़ा था, रूल नंबर 5 क्लॉज सेम इज हैपनिंग हियर आल्सो, कि अगर वो किसी के साथ ऐसे किसी एग्रीमेंट में एंटर हुआ है तो. एंड नाउ इट्स रूल 9A, कोर्ट टू असाइन अ प्लीडर टू एन अनरिप्रेजेंटेड अनरिप्रेजेंटेड इंडिजिनस पर्सन. कोर्ट ने एक असाइन किया एक प्लीडर को टू एन अनरिप्रेजेंटेटेड इंडिजिनस पर्सन इन विच देयर अ पर्सन हु इज परमिटेड. कोई पर्सन हु इज परमिटेड टू सू एज एन इंडिजन पर्सन इज नॉट रिप्रेजेंटेटिव बाय अ प्लीडर. अगर कोई पर्सन जो इंडिजन पर्सन के अकॉर्डिंगली सूट फाइल करना चाहता है बट उसके अकॉर्डिंग वो नहीं करता और उसको भी प्लीडर रिप्रेजेंट करता है, द कोर्ट में इफ द सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस सो रिक्वायर असाइन अ प्लीडर टू हिम. और अगर कोई सर्कमस्टांसेस ऐसे होते तो कोर्ट खुद से भी उसको प्लीडर को असाइन कर सकता है. नेक्स्ट इज द हाई कोर्ट में विद द प्रीवियस अप्रूवल ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट मेक रूल्स. हाई कोर्ट भी इसके अंदर रूल्स बना सकते हैं कि किस तरह से क्या मोड रहेगा प्लीडर को सिलेक्टिंग करने का, कौन कौन सी फैसिलिटीज कोर्ट के थ्रू प्लीडर को प्रोवाइड करी जाएगी, एंड एनी अदर मैटर विच इज रिक्वायर्ड टू बी और मे बी प्रोवाइडेड बाय द रूल्स फॉर गिविंग इफेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सबूल वन, या उस मैटर से रिलेटेड कोई भी फैसिलिटी उसको देनी है, कोई मैटर के बारे में उसको बताना है, तो वो सब कोर्ट यहाँ पे करेगी. नाउ कमिंग टू विच रूल 10. रूल 10 क्या है? कॉस्ट वेयर इंडिजिनस पर्सन सक्सीड्स. अब ये कॉस्ट के बारे में बताता है, वेयर द प्लेंटिफ सक्सीड्स इन द सूट. अगर प्लेंटिफ जीत जाते हैं सूट के अंदर तो कोर्ट शैल कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कोर्ट फीस जो लगी है व्हिच वुड हैव बीन पेड बाय द प्लेंटिफ इफ ही हैड नॉट परमिटेड टू सू एज एन इंडिजिनस पर्सन. अगर उसने बोला था कि नो मैं मतलब इंडिजिनस पर्सन के थ्रू सूट फाइल नहीं करना चाहता, सच अमाउंट शैल बी रिकवरेबल बाय द स्टेट गवर्नमेंट फ्रॉम एनी पार्टी ऑर्डर्ड बाय डिग्री टू पे द सेम. स्टेट गवर्नमेंट उनसे वो अमाउंट कंपेंसेट कर सकते हैं. शैल बी अ फर्स्ट चार्ज ऑन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सूट, और सब्जेक्ट मैटर में सबसे पहला चार्ज ये हो सकता है. नाउ व्हाट रूल 11 इज सेइंग, प्रोसीजर वेयर इंडिजन पर्सन फेल्स. अगर इंडिजन पर्सन कहीं पर फेल हो जाता है तो क्या प्रोसीजर होगा? वेयर द प्लेंटिफ फेल्स इन द सूट और द परमिशन ग्रांटेड टू हिम टू सू एज एन इंडिजन पर्सन हैज बीन विड्रॉन और वेयर द सूट इज विड्रॉन और डिसमिस. या तो उसको विड्रॉ कर लिया गया है, या वो विड्रॉ है, या वो डिसमिस हुआ है. बिकॉज द समन्स फॉर द डिफेंडेंट टू अपियर एंड आंसर हैज नॉट बीन सर्व्ड अपॉन हिम इन कंसीक्वेंस ऑफ द फेलियर ऑफ द प्लेंटिफ टू पे द कोर्ट फी और पोस्टल चार्जेस. उसने पे नहीं किए तो इस रीजन से अगर भी कोई भी नेग्लिजेंसी होती है वहां पे, कोई भी नेग्लिजेंस वो लोग करते हैं किसी भी तरह से कि कोर्ट फी नहीं पे कर पाता, जब उसने मना कर दिया कि नहीं मैं बीइंग अ इंडिजन पर्सन इस सूट को फाइल नहीं करना चाहता, और कहाँ कहाँ वो फेल होता है बेसिकली ये बताएंगे अगर वो कोर्ट फी नहीं पे करता उस टाइम पे. एंड द सेकेंड वन इज बिकॉज द प्लेंटिफ डज नॉट अपियर व्हेन द सूट इज कॉल्ड इन फॉर हियरिंग. और जब सूट के लिए उसको वहां पर बुलाया गया है हियरिंग के लिए तो वो भी वो नहीं कर पाता. तो द कोर्ट शैल ऑर्डर द प्लेंटिफ और एनी पर्सन जो को प्लेंटिफ था उसको कि पे करनी है आपको कोर्ट फीस अपनी विच वुड हैव बीन पेड by the plaintiff if he had not been permitted to sue as an indigent person. But it has to be mentioned there ki wo person being an indigent person is case ko file nahi kar raha ya is case ko yahan par lad nahi raha. So coming towards rule 11A, procedure where indigent person suit abates. Ki kahan par uska suit abate, where the suit abates by reason of death of the plaintiff or any person added as a co-plaintiff. Ya to death ho jati hai, koi person co-plaintiff hai. The court shall order the amount that the amount of court fees which would have been paid by the plaintiff if he had not been permitted to sue as an indigent person shall be recoverable by the state government. To state government ya uski estate koi deceased plaintiff ka hoga to usse recover kar sakte hain. So thank you so much everyone. Do subscribe to our YouTube channel.